नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन या वॉल्वॉक्स में जनन। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने फर्स्ट एल्गी का जो मेंबर था वॉल्वॉक्स उसको स्टार्ट किया था, जहां पर हमने उसका क्लासिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, उसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट जातियाँ थी उनके बारे में, और साथ ही वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की संरचना और कॉलोनी में जो कोशिका थी या कॉलोनी का जो सदस्य था उसकी संरचना को स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा वॉल्वॉक्स में जनन। अगर हम वॉल्वॉक्स में जनन की बात करें तो वॉल्वॉक्स में केवल दो प्रकार का जनन पाया जाता है। कौन कौन सा? केवल अलैंगिक और लैंगिक जनन। कौन कौन सा देखने को मिलेगा? एक तो अलैंगिक प्रकार का और लैंगिक प्रकार का, दोनों ही प्रकार का हमें यहाँ पर जनन देखने को मिलेगा। कायिक जनन यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो अगर वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन के दौरान क्या होगा, वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसकी ही पिछले भाग की कोशिका या आंतरिक भाग की कोशिका यहाँ पर जनन में भाग लेगी। जिन्हें जनन कोशिका या अलैंगिक जनन के तौर पर देखा जाए तो उन्हें गोनिडियम कहा जाता है। उसी प्रकार जब हम लैंगिक जनन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी कॉलोनी के पिछले भाग की कोशिका जनन में भाग लेगी, जिसे हम या तो एंड्रोगोनिडियम कहेंगे, वह पुंदानी का निर्माण करेगी, और गाइनोगोनिडियम कहेंगे जो कि अंडधानी का या स्त्रीधानी का निर्माण करेगी। तो इसके पहले हम देखते हैं कि जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वह संरचना में किस प्रकार दिखाई देती है। तो अगर वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की संरचना की हम बात करें तो कॉलोनी की जो संरचना है ये इस प्रकार के हमें दिखाई देती है, जो किसी भी स्वच्छ वाटर बॉडीज के अंदर पड़ी हुई रहती है। जो आपको ये वाली जो संरचना दिख रही है ये है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी, जिसमें विभिन्न प्रकार की, जिनमें विभिन्न कोशिकाएं उपस्थित है, जो कि क्लेमाइडोमोनास आकार की है या फिर जो नाशपति का जो आकार होता है उसके समान यहाँ पर ये कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। और हमने यह भी देखा था कि कॉलोनी के जो परिधीय भाग की कोशिकाएं होती हैं उन पर दो, प्रत्येक कोशिका पर दो प्रतोत कशाबिका या दो चिकनी कशाबिकाएं पाई जाती है। इसी कारण जो ये कॉलोनी होती है क्या करती है, गति करती है। मतलब किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर यह लुढ़कते हुए फॉर्म में पाई जाती है। साथ ही ये कैसी है, गोलाकार या अंडाकार आकृति की है, जो कि गेंद के समान हर एक रंग की वाटर बॉडीज के अंदर पड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि वॉल्वॉक्स क्या है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है, तो इसका जो कलर होगा वह हरा होगा। और हमने यह भी डिस्कस किया था कि वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसके अंदर अनेक डॉटर कॉलोनीज हमें दिखाई देती हैं। कौन सी कॉलोनी दिखाई देगी वॉल्वॉक्स के अंदर, ये आपको जो ये कॉलोनियाँ दिखाई दे रही है छोटी छोटी, ये कौन सी कॉलोनियाँ हैं, डॉटर कॉलोनीज है, जिनका निर्माण किसके फलस्वरूप होता है, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है। अलैंगिक जनन के फलस्वरूप ये विभिन्न डॉटर कॉलोनियाँ इसमें पड़ी हुई रहती है, जो कि इस मात्र कॉलोनी या मात्र वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है इसके अपहासित होने पर या इसके विघटित होने पर, या जहाँ पर यह डॉटर कॉलोनी है इसके यहाँ पर एक छिद्र होने से यह डॉटर कॉलोनी बाहर की ओर आ जाएगी और अपनी कॉलोनी में सदस्यों की या कोशिकाओं की संख्या बढ़ाकर एक बड़ा रूप ले लेती है। इस प्रकार हमने कॉलोनी की संरचना देखी और कोशिका की संरचना को भी डिस्कस किया था वहाँ पर, जो कि क्लेमाइडोमोनास प्रकार की या पियर से नाशपति के समान थी, जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित था और उस क्लोरोप्लास्ट की जो गुहिका वाला जो पोर्शन था वहाँ पर केंद्रक था, कुछ जीव द्रव्य था, आई स्पॉट थे और कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिकाएं वहाँ पर प्रेजेंट थी। तो ऐसी हमने वहाँ पर कोशिका की संरचना को देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अब अलैंगिक जो जनन होता है यह भी किसी न किसी कोशिका के द्वारा ही होगा, कॉलोनी की कोशिका के द्वारा। तो कॉलोनी की जो पिछले भाग की जो कोशिका है, जैसे ये वाली कोशिका है, ये वाली कोशिका है, जिनमें एक तो कशाबिका है एब्सेंट होगी और जो आई स्पॉट या जो द्रक बिंदु थे जो कि
कोशिका को प्रकाश का बोध कराता था वह यहाँ पर इन कोशिकाओं में एब्सेंट होगा, और इन कोशिकाओं को क्या कहेंगे हम अलैंगिक जनन में, तो क्या कहेंगे गोनीडियम कहेंगे। तो कॉलोनी के पश्च भाग की जो कोशिकाएं होती है वह अलैंगिक जनन में भाग लेती है, और इन यह कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़े आकार की होती है, कशाभिकाहीन होती है, और इन पर आई स्पॉट या द्रक बिंदु भी नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं को कहेंगे हम गोनीडियम कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? गोनीडियम कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं के द्वारा ही क्या बनाई जाएगी? इन कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य होगा वह विभाजित होकर एक अनादर कॉलोनी का निर्माण कर देगा, इस मात्र कॉलोनी के अंदर ही, जिसे डॉटर कॉलोनी कहेंगे। अब डॉटर कॉलोनी का निर्माण किस प्रकार होता है अलैंगिक जनन में, उसको हम देखते हैं। तो अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो यह कॉलोनी के पश्च भाग की कोशिका है, जिसको क्या कह दिया है हमने यहाँ पर गोनीडियम। क्या बोल दिया है? गोनीडियम। ये अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी है, और इन पर कशाभिकाएं एब्सेंट है, आई स्पॉट भी या द्रक बिंदु भी एब्सेंट है। अब इस कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है इसमें लगातार तीन उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं, मतलब ऐसे तीन लंबवत विभाजन होंगे एक दूसरे को काटते हुए, जिसके कारण आठ कोशिकाओं का निर्माण होगा। किसके अंदर? इस गोनीडियम कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर। ये इसकी कोशिका भित्ति है, और इसका जो जीव द्रव्य है इसमें ऐसे तीन उत्तरोत्तर विभाजन होंगे, जिसके कारण इसी के अंदर कितने जीव द्रव्य खंड बन जाएंगे? आठ जीव द्रव्य खंड या आठ कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। उस स्टेज को कहा जाता है प्लेकिया स्टेज, जिसे पहले विभाजन हुआ जिसके कारण यहाँ पर दो कोशिकाएं बनी, फिर उसके बाद इन दोनों में एक एक और हुआ जिसके कारण चार बनी, फिर इन चार में ही एक और एक एक और हुआ जिसके कारण कितनी सेल्ड स्टेज आ गई? आठ कोशिकीय अवस्था आ गई। और जो आठों ही कोशिकाएं अवस्था है ये इस प्रकार यहाँ पर व्यवस्थित होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाएगी, और इनका जो ऊपरी वाला पोर्शन होगा वह खुला हुआ होगा और कॉलोनी के परिधीय भाग में होगा। इस आठ कोशिकीय अवस्था को कहा जाता है प्लेकिया अवस्था। फिर इन आठों ही कोशिका में क्या होता है? फिर वापस से एक एक विभाजन और होता है, जिसके कारण कितनी कोशिकीय अवस्था बन जाएगी? 16 कोशिकीय अवस्था बन जाएगी। ये कौन सी अवस्था आ गई? 16 कोशिकीय अवस्था। अब इन 16 कोशिकीय अवस्था में आपको एक बात दिख रही होगी, जो ये कोशिकाएं हैं हमने देखा था जो वॉल्वॉक्स की कोशिकाएं थी वह कैसी थी? पियर शेप या नाशपाती के आकार की थी, जिसका जो ऊपरी सिरा था वह कैसा था? इनका नुकीला था, जबकि जो आधारीय सिरा था वह कैसा था? थोड़ा राउंडेड प्रकार का था, और यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित था, यहाँ पर केंद्रक था, यहाँ पर कुछ मात्रा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आई स्पॉट, और यहाँ पर एक बेसल ग्रेन्यूल से दो प्रतोद जो कशाभिकाएं थी या चिकनी कशाभिकाएं थी वह निकल रही थी, ऐसी संरचना देखी थी। तो इस 16 कोशिकीय अवस्था में जो इस कोशिका का जो तिकोना वाला जो पोर्शन होता है या इस कोशिका का जो अग्र सिरा होता है वह केंद्र की ओर या गुह जो यहाँ पर यह गुहा है इसकी ओर होता है, जबकि इसका जो फूला हुआ पोर्शन होता है वह परिधीय भाग में होता है। अब इस 16 कोशिकीय अवस्था में फिर वापस से अनेक विभाजन होते हैं, जिसके कारण इस गोनीडियम कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर इतनी ही कोशिका बन जाती है जितनी की मात्र कॉलोनी में कोशिकाएं होती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है उसको सिनोबियम कहा जाता है। सिनोबियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के अंदर एक निश्चित संख्या में कोशिकाएं उपस्थित होती है, मतलब प्रत्येक जाति में एक निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाएगी। यहां पर कितनी कोशिकीय अवस्था आ गई? 16 कोशिकीय अवस्था, जिसमें कोशिका का त्रिकोण वाला जो भाग है वह इस के केंद्र में है, मतलब केंद्र की ओर है या गुहिका की ओर है, जबकि इसका जो फूला हुआ जो भाग है या जो पिछला वाला भाग है वह परिधि की ओर उपस्थित होता है, और इसका जो ऊपरी भाग है वह खुला हुआ होता है, मतलब परिधि की ओर खुला हुआ है, और इसको कहा जाता है फाइलोपोर। क्या कहा जाता है? फाइलोपोर।
और हमने देखा था कि कोलवक्स की जो कॉलोनी है उसको सिनोबियम कॉलोनी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक जाति की कॉलोनी में सदस्यों की संख्या फिक्स होती है। तो यहाँ पर जो 16 कोशिकीय अवस्था है या इसके बाद उतनी ही कोशिकाएं बनेगी जितने की मात्र कॉलोनी में होती है या प्रत्येक जाति की यह फिक्स होती है। तो इतनी ही कोशिकाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, उसके बाद इसमें विभाजन नहीं होंगे। और इसका जो ऊपरी खुला हुआ भाग है उसे क्या कहा हमने, फाइलोपोर कहा। अब इसके बाद इस जो यहाँ पर जो ये डॉटर कॉलोनी का जो निर्माण हो रहा है इसमें जो ये कोशिकाएं बन रही हैं इन कोशिकाओं में क्या होता है, प्रतिलोमन या इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, प्रतिलोमन या इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है। इस दौरान क्या होता है, जो कॉलोनी जो ये डेवलपिंग डॉटर कॉलोनी है या विकासशील डॉटर कॉलोनी है या गोनिडियम के अंदर जो ये कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है इसके जो पिछले भाग की जो कोशिकाएं हैं वह तो इधर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है, मतलब ऊपर की ओर फाइलोपोर वाले सिरे से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। और जबकि जो इधर की जो कोशिकाएं हैं ये इधर की ओर इनरोटेड हो जाती हैं, मतलब ये कोशिकाएं तो ऊपर की ओर जाएगी और ये कोशिकाएं नीचे की ओर आ जाएगी, जिसके कारण जो यहाँ पर जो ये कोशिकाएं हैं इनका जो त्रिकोणा वाला सिरा है वह परिधि की ओर आ जाता है, जबकि इनका जो राउंडेड वाला या पिछला वाला पोर्शन है वह गुहिका की ओर आ जाता है, मतलब ये तो इधर की ओर और ये वाला नीचे की ओर आएगा, जिसके कारण जो ये कॉलोनी की या डेवलपिंग डॉटर कॉलोनी है वह इनवर्टेड अवस्था में या प्रतिलोमित अवस्था में आ जाती है। इसके कारण क्या होगा, जो ये कोशिकाओं का त्रिकोणा वाला पोर्शन है ये परिधि की ओर और जबकि इनका जो पिछला भाग है या जो राउंडेड वाला जो पोर्शन है वह इस गुहिका की ओर या केंद्र की ओर व्यवस्थित हो जाता है। और इस कारण जो फाइलोपोर ऊपर की ओर व्यवस्थित था वह भी कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। और कुछ समय पश्चात तो फाइलोपोर भी यहाँ से मुक्त हो जाता है और कॉलोनी की सारी ही कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और यहाँ पर एक यंग कॉलोनी या डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। फिर बाद में क्या होगा, बाद में इनमें प्रत्येक कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा, जीव द्रव्यीय सूत्रों का निर्माण हो जाएगा और साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, दो प्रतोद कशाबिकाएं भी विकसित हो जाएगी। तो इस प्रकार वॉल्वॉक्स की जो मात्र कॉलोनी थी उसके अंदर डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप यहाँ पर यह देखने को मिलता है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेज आई, पहले तो कॉलोनी की पिछली भाग की जो कोशिकाएं थी उसे हमने क्या कहा, गोनिडियम कहा, जिनका आकार अन्य कायिक कोशिकाओं की तुलना में बड़ा था और इन्हें गोनिडियम को गोनिडियम या जनन कोशिका कहा जाता है। फिर इस कोशिका का जीव द्रव्य में तीन उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं जिसके कारण आठ कोशिकीय अवस्था आती है या आठ सेल्ड स्टेज आती है जिसे प्लैकेय अवस्था कहा जाता है। फिर इन कोशिकाओं में भी वापस से एक एक विभाजन और होता है जिसके कारण 16 कोशिकीय अवस्था आएगी और फिर विभाजन लगातार होते रहेंगे जब तक कि निश्चित संख्याओं की कॉलोनी न बन जाए। और यह कोशिकाएं नीचे की ओर आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और इनका जो ऊपरी सिरा होता है वह ओपन होता है या खुला हुआ होता है जिसे फाइलेपोर कहा जाता है। और इन कोशिकाओं का जो नुकीला सिरा होता है वह केंद्र की ओर होता है और जो उभरा हुआ जो पोर्शन होता है वह परिधि की ओर होता है। फिर इनमें क्या होता है, इन्वर्जन या प्रतिलोमन की प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप जो गोनिडियम था इसकी जो निचले भाग की जो कोशिकाएं थी वो ऊपर की ओर आती है और ऊपरी भाग की कोशिकाएं नीचे की ओर उल्टे क्रम में जाती हैं, जिसके कारण जो कोशिकाओं का जो तिकोना भाग था या तिकोना वाला जो पोर्शन था वह परिधि की ओर आ जाएगा और केंद्र की ओर क्या रहेगा, उभरा हुआ पोर्शन, मतलब इनमें इनवर्जन या प्रतिलोमन हो जाएगा। फिर सारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगी, फाइलेपोर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, फिर इनमें कोशिका भित्ति बन जाएगी और कशाबिकाओं का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार वॉल्वॉक्स की मातृ कॉलोनी के अंदर क्या होता है, डॉटर कॉलोनी का निर्माण होता है जो कि वॉल्वॉक्स की मातृ कॉलोनी के विघटन होने पर या ये डॉटर कॉलोनी जहाँ पर बनी है वहाँ पर एक छिद्र होने से ये बाहर की ओर आती है और फिर अपनी वृद्धि या ग्रोविंग स्टेज में
चली जाती है। इस प्रकार वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन, कौन सा जनन? लैंगिक। अब लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा? लैंगिक जनन भी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की पिछले भाग की कोशिकाएं के द्वारा ही किया जाता है और उन कोशिकाओं की संख्या वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के अंदर लगभग 5 से 20 तक हो सकती है और उन्हें ही भी क्या कहेंगे हम? जनन कोशिका या रिप्रोडक्शन सेल कहेंगे, क्योंकि जनन कोशिकाओं के द्वारा ही क्या किया जाएगा? जनन किया जाएगा, जबकि बाकी की कोशिकाएं किसकी भांति कार्य करेगी? कायिक कोशिकाओं की भांति कार्य करेगी। और यहाँ पर जो ये जनन कोशिकाएं हैं लैंगिक जनन के अंदर, अगर जनन कोशिकाएं पुंदानी का निर्माण कर रही है तो उसे क्या कहेंगे हम? एंड्रोगोनिडियम। क्या बोला जाता है? एंड्रोगोनिडियम। अगर जनन कोशिकाएं लैंगिक जनन के दौरान स्त्रीधानी का या अंडधानी का निर्माण कर रही है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है गाइनोगोनिडियम। तो दो प्रकार की कोशिकाएं देख ली हमने, या तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के अंदर एंड्रोगोनिडियम होगी या गाइनोगोनिडियम होगी, या दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं एक ही वॉल्वॉक्स कॉलोनी के अंदर होगी। तो इस आधार पर जो वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है वह डायोसियस हो सकती है या मोनोसियस हो सकती है। अब डायोसियस या मोनोसियस का मतलब होता क्या है ये मैं समझा देता हूँ आपको। डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाशय। क्या होता है? एक लिंगाशय। एक लिंगाशय का मतलब क्या होता है? वॉल्वॉक्स की जो एक कॉलोनी है उसके अंदर या तो स्त्रीधानी का ही निर्माण होगा या पुंदानी का ही निर्माण होगा। स्त्रीधानी मतलब अंडधानी का ही निर्माण होगा या पुंदानी का ही निर्माण होगा। एक कॉलोनी के अंदर केवल या तो पुंदानी ही बनेगी या स्त्रीधानी ही बनेगी। तो इस प्रकार की कॉलोनी को क्या कहा जाता है? डायोसियस कहा जाता है। एक होती है मोनोसियस। मोनोसियस किसे कहेंगे? जिसमें एक ही कॉलोनी के अंदर अंडदानी भी बन रही है और पुंदानी भी बन रही है, तो उस प्रकार की कॉलोनी को मोनोसियस या उभयलिंगाशय, मतलब दोनों ही प्रकार की जनन संरचनाओं का निर्माण किसमें हो रहा है? एक ही कॉलोनी के अंदर हो रहा है, तो उसे मोनोसियस कहा जाता है। अब हम देखते हैं वॉल्वॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार संपन्न होता है। तो यहाँ पर भी कॉलोनी के पिछले भाग की कोशिकाएं मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी। अगर वह मात्र कोशिकाएं पुंदानी का निर्माण कर रही है तो उसे क्या कहेंगे हम? एंड्रोगोनिडियम कहेंगे। क्या कहेंगे? एंड्रोगोनिडियम। और ये कोशिका का जो आकार होगा वह अन्य कोशिकाओं की तुलना में या अन्य कोशिकाओं के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े आकार की होगी। इसमें क्या होगा? वापस से विभाजन होगा, जिसके कारण पहले 2 कोशिकीय अवस्था, फिर 4 कोशिकीय अवस्था, 8 कोशिकीय अवस्था, ऐसे इनमें बहुत सारे लगभग 512 या 500 तक पुमणु यहाँ पर बनते हैं, मतलब इतनी ही कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। जैसे हमने अभी अलैंगिक जनन के दौरान देखा था, इस कोशिका में पहला विभाजन 2, फिर दूसरा 4, फिर तीसरा 8, ऐसे लगभग यहाँ पर 500 तक या 512 तक कोशिकाएं यहाँ पर बनती है। और इन कोशिकाओं में भी अलैंगिक जनन के समान ही क्या होता है? प्रतिलोमन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जो ऊपरी भाग में फाइलोपोर था वह निचले भाग में आ जाएगा, फिर फाइलोपोर समाप्त हो जाता है और इनमें कशाभिकाओं का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसी कारण एक ही पुंदानी के अंदर यहाँ पर लगभग असंख्य पुमणु बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रत्येक कोशिका है ये एक पुमणु की भांति व्यवहार करती है। और ये पुमणु किसके अंदर होंगे? इस एंड्रोगोनिडियम के अंदर होंगे। और इस एंड्रोगोनिडियम की जो कोशिका ही है बड़ा आकार की हो जाएगी, जिसे क्या कह देंगे हम? पुंदानी कहा देंगे। और इस पुंदानी के अंदर अनेक पुमणु उपस्थित होते हैं जो कि इसके शीर्ष भाग से मुक्त होकर किसी अंडदानी के अंदर जो एक सेल है
उसको निषेचित करने का कार्य करेंगे। उसी प्रकार अगर हम अंडदानी की बात करें तो अंडदानी के निर्माण में भी कॉलोनी के पश्चभाग की कोशिकाएं यहाँ पर कार्य करेगी, जिसे क्या कहेंगे हम, इस कोशिका को कहा जाता है गाइनोगोनिडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइनोगोनिडियम। और यह कोशिका अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी हो जाएगी और इसमें जीव द्रव्य की मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी और इसका जीव द्रव्य यहाँ पर केंद्र में व्यवस्थित होकर एक बड़े एग का निर्माण कर देता है। इसके जीव द्रव्य में असंख्य जो कणिकाएं हैं या स्टार्च कण है वह यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएंगे, जिसके कारण जो इसका जो अंदर का जो भाग है वह बड़े आकार का हो जाएगा और धीरे धीरे यह, पहले तो यह कैसी एक गोलाकार अवस्था में है, धीरे धीरे ये फ्लास्क नुमा अवस्था में या फ्लास्क रूपी अवस्था में आ जाती है और इसका जो केंद्रीय भाग है या इसका जो केंद्रक है वह एग की भांति कार्य करता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। और इसका जो शीर्ष भाग है यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, छिद्र उपस्थित होता है जो कि पुंगड़ों को मार्ग प्रदान करने का कार्य करता है, मतलब पुंदानी से जो पुंगड़ू आएंगे वह इस अंडदानी के शीर्ष भाग पर जो छिद्र होगा वो वहीं से ही यहाँ पर प्रवेश करेंगे और इसके अंदर की ओर यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इस अंडदानी के अंदर जो एक सेल होगी उसको वह निषेचित करके क्या बना देंगे, जायगोट का निर्माण कर देंगे या जायगोट बना देंगे, जिसकी और जो जायगोट होता है वह कहीं समय तक विश्रामी अवस्था में रह है। उस दौरान वह अपने चारों ओर मोटी भित्तियों का निर्माण कर लेता है और उस मोटी भित्ति युक्त जो कोशिका होती है या जायगोट जो मोटी भित्ति युक्त अवस्था में आ जाता है या रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है उसको कहा जाता है ऊ स्पोर। तो लैंगिक जनन के दौरान एक तो पुंदानी का निर्माण होता है और एक अंडदानी का निर्माण होता है और दोनों ही पुंदानी या अंडदानी वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के अंदर डेवलप होती है। पुंदानी के अंदर पुंगड़ू बनेंगे और अंडदानी के अंदर एग सेल का निर्माण होगा। पुंगड़ू जब यहाँ पर आएंगे तो एग सेल से फ्यूज होकर उसको फर्टिलाइज करके क्या बना देंगे, जायगोट बना देंगे और जायगोट कहीं समय तक विश्रामी अवस्था में रहता है और उस दौरान वह मोटी भित्ति युक्त को मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है और उस मोटी भित्ति युक्त संरचना को कहा जाता है ऊ स्पोर। क्या कहा जाता है? ऊ स्पोर। अब जो ये ऊ स्पोर होगा इसमें तीन भित्तियां होती हैं, एक तो होती है एक्जो स्पोरियम, एक होती है मीजो स्पोरियम और एक होती है एंडो स्पोरियम। अब जो एक्जो स्पोरियम होती है यह ऊ स्पोर की सबसे बाह्यतम भित्ति होती है और यह बाह्यतम भित्ति या तो चिकनी हो सकती है या कंटकमय हो सकती है, यह एक जाति के ऊपर डिपेंड करता है कि नोस्टॉक की कौन सी जाति है। तो एक्जो स्पोरियम या तो चिकनी हो सकती है या कंटकमय हो सकती है। इसके बाद मेजो स्पोरियम होती हैं और जिसके अंदर हिमेटोक्रोम वर्णक पाए जाते हैं, इसी कारण ऊ स्पोर या जायगोट का जो रंग होता है वह कैसा होता है, लाल रंग का होता है। किसकी वजह से? हेमेटोक्रोम वर्णक की वजह से। वह कहाँ पर पाए जाते हैं? जायगोट की भित्ति में या ऊ स्पोर की भित्तियों में पाए जाते हैं जो मीजो स्पोर के अंदर मिलेंगे। इसके बाद एंडोस्पोरियम जो कि सबसे आंतरिक भित्ति होती है और पतली और कोमल प्रकृति की होती है। अब जब ऊ स्पोर जब तक विश्रामी अवस्था में है तब तो ऊ स्पोर के अंदर जो जायगोट है वह सुरक्षित रहेगा या इसका जो जीव द्रव्य है वह सुरक्षित रहेगा, परंतु जब भी अनुकूल परिस्थितियां आएगी तब ऊ स्पोर की जो भित्तियां होती हैं इनमें से एक्जो स्पोरियम और जो मेजो स्पोरियम होती है वह तो फट जाती है, जबकि जो एंडो स्पोरियम होती है वह एक सिस्ट या पुटिका के रूप में बाहर की ओर निकलती हैं और इस पुटिका के अंदर जो जायगोट का जो जीव द्रव्य होता है वह बाहर की ओर आता है और जायगोट का जीव द्रव्य ही वापस से विभाजित होकर किसका निर्माण करता है, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी का निर्माण करता है। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा वह क्या होगा, जायगोट से के अंकुरण से
कॉलोनी का निर्माण। तो हमने क्या क्या देखा, एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया जिसके अंदर हमने पुंदानी का निर्माण और अंडदानी का निर्माण, फिर उनमें फर्टिलाइजेशन भी करवा दिया जिसके फलस्वरूप जायगोट या ओस्पोर बन गया। ओस्पोर की संरचना को भी देख लिया जिसमें तीन भित्तियाँ हैं, एक तो एक्जोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। एक्जोस्पोरियम या तो कंटक में है या चिकनी परत होती है। मीजोस्पोरियम इसमें हिमेटोक्रोम वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण जायगोट या ओस्पोर का जो रंग होता है वह कैसा होता है, लाल होता है। और उसके बाद एंडोस्पोरियम जो कि पतली तथा कोमल परत होती है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो ओस्पोर अंकुरित होगा, इस दौरान क्या होगा, एक्जोस्पोरियम मेजोस्पोरियम फट जाएगी और एंडोस्पोरियम पुटिका के रूप में बाहर आ जाती है जिसमें जायगोट का जीव द्रव्य भी आ जाता है। फिर जायगोट का जीव द्रव्य ही क्या करता है, नई कॉलोनी का निर्माण करता है। अब जायगोट के जीव द्रव्य से नई कॉलोनी का निर्माण किस प्रकार होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। जायगोट के अंकुरण से नई वॉल्वॉक्स कॉलोनी का निर्माण। यहां पर आपको दिख रहा होगा यह क्या है, जर्मिनेटिंग ओस्पोर है। इसमें क्या है, जो सबसे बाह्यतम भित्ति है वह कैसी दिखाई दे रही है, कंटकमय है। इसके अंदर इसकी मध्य भित्ति या मेजोस्पोर है और सबसे आंतरिक भित्ति जो कि एक एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर के फटने पर बाहर की ओर एक पुटिका के रूप में या सिस्ट के रूप में निकल चुकी है। किसके रूप में, पुटिका के रूप में। इस पुटिका में इस जायगोट का जीव द्रव्य आ जाता है। अब इस जायगोट के जीव द्रव्य में क्या होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण यहाँ पर चार जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं। अब ये अर्धसूत्री विभाजन इसके अंकुरण से पूर्व भी हो सकता है या इसमें पुटिका का निर्माण होने के पश्चात भी हो सकता है जिसके कारण यहाँ पर चार जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं। इन चारों ही जीव द्रव्य खंड में से जो तीन जीव द्रव्य खंड है यह तो अपहासित हो जाते हैं और केवल एक ही जीव द्रव्य खंड सक्रिय होकर किसका निर्माण करता है, मियोजोस्पोर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, मियोजोस्पोर। किसका निर्माण करेगा, मियोजोस्पोर, क्योंकि इस स्पोर का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से हो रहा है इसी कारण इसे मियोजोस्पोर कहा जाता है। इसमें क्या होगा, इसका केंद्रक होगा, जीव द्रव्य होगा और दो प्रतोत कशाबिकाएं होगी जो कि कॉलोनी से बाहर निकलकर, क्योंकि जायगोट कहाँ पर होगा, कॉलोनी के अंदर ही होगा क्योंकि अंडदानी पुंदानी कहाँ पर बनी थी, कॉलोनी के अंदर बनी थी और उनके उनमें फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बना था, जायगोट या ओस्पोर बना था। तो ओस्पोर में ही क्या बनेगा, फिर मियोजोस्पोर बनेगा। वह कॉलोनी से बाहर आ जाएगा और बाहर आकर स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ रहता है और किसी स्थान पर बैठकर या वाटर की जो तली होती है, वाटर बॉडी की जो नीचे जो निचला जो तल होता है वहाँ पर बैठकर अपनी कशाबिकाओं को त्याग देता है और इसके जीव द्रव्य में फिर क्या होता है, विभाजन होता है। और इसके जीव द्रव्य में विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर लगभग 512 या 500 इतनी कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं और कोशिकाएं जो बनेगी उसमें वही स्टेज आएगी जैसा हमने अलैंगिक जनन के फलस्वरूप देखा था। इसे प्लेकिया स्टेज है, सोलह सेल्ड स्टेज है, उसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं इसमें बनती है, प्रतिलोमन की प्रक्रिया होती है। तो उसी प्रकार की संरचना यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर एक नई कॉलोनी का या नई सिनोबियम कॉलोनी का निर्माण हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले चार जीव द्रव्य खंड बने थे, तीन अपहासित हो गए, केवल एक ही शेष रहा। इस एक जीव द्रव्य खंड ने क्या बना दिया, मियोजोस्पोर बना दिया। परंतु कभी कभी कुछ जातियों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो चारों ही जीव द्रव्य खंड है इनमें वापस से विभाजन होता है जिसके कारण अनेक जीव द्रव्य खंड या कोशिकाओं का निर्माण होता है और प्रत्येक जीव द्रव्य खंड के द्वारा
क्या किया जाता है, कॉलोनी का निर्माण किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में केवल यहाँ पर क्या होता है, इस ऊस्पोर के अंदर ही बहुत सारे जूस्पोर या चल बीजाणु बनते हैं और प्रत्येक चल बीजाणु के द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जाता है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। परंतु जो सबसे ज़्यादा जो कंडीशन देखने को मिलती है वह इसी प्रकार की देखने को मिलती है, चार जीव द्रव्य खंड में से एक ही जीवित रहता है और वह मियोजोस्पोर का निर्माण करता है। फिर मियोजोस्पोर में क्या होता है, यह अपनी कशाभिकाओं को त्याग देगा और वाटर बॉडी की तली पर बैठकर इसके जीव द्रव्य में बहुत सारे विभाजन होते हैं, जिसके कारण पहले तो हार्ट सेल्ड स्टेज आएगी जिसे हम प्लेकीय अवस्था कहेंगे, उसके बाद थोड़ा सेल्ड स्टेज आएगी, उसके बाद अनेक कोशिकाएं इसमें बनेगी और वो सारी ही कोशिकाएं इस चल बीजाणु की भित्ति के अंदर ही रहेगी। इस प्रकार एक नई सिनोबियम कॉलोनी का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी, मतलब जो चल बीजाणु था इसकी कोशिकाओं इसके जीव द्रव्य में बारंबार रूप से विभाजन हो रहे हैं और इसी इन कोशिकाओं में प्रतिलोमन की प्रक्रिया, फाइलापोर की समाप्ति, ऐसी प्रोसेस भी यहाँ पर संपन्न होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक नई सिनोबियम कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार नई कॉलोनी का निर्माण संपन्न होता है, किसके फलस्वरूप, लैंगिक जनन के फलस्वरूप। अब इसके बाद हम देखते हैं वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल। तो अगर वॉल्वॉक्स के जीवन चक्र की या लाइफ साइकिल की बात करें तो वॉल्वॉक्स का जो जीवन चक्र होता है वह ज़्यादातर हैप्लोन्टिक प्रकार का होता है, मतलब अगुणितक प्रकार का होता है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं हैप्लो डिप्लोन्टिक प्रकार का होता है। किस प्रकार का, हैप्लो डिप्लोन्टिक प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर वॉल्वॉक्स के अंदर जो ज़्यादातर अवस्थाएं हैं वह कैसी है, अगुणित हैं। केवल द्विगुणित अवस्था तो हमें केवल जाइगोट के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जा रही है, क्यों जाइगोट ही यहाँ पर द्विगुणित अवस्था में है और बाकी जो जितनी भी अवस्था है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की कोशिका है, वॉल्वॉक्स में जितनी भी जो संरचनाएं बन रही है वह कैसी है, अगुणित है। इस कारण इसमें जो जीवन चक्र पाया जाता है वह हैप्लो डिप्लोन्टिक प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगुणित परावस्था प्रभावी होती है, जबकि जो द्विगुणित परावस्था है वह तो केवल जाइगोट के रूप में ही यहाँ पर निरूपित होती है। तो अगर इसके लाइफ साइकिल की हम बात करें तो लाइफ साइकिल को यहाँ पर दर्शाया गया है जैसे एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उस दौरान क्या होगा, कॉलोनी की ही जो कोशिकाएं होगी वो भाग लेगी जिसे गोनिडियम कहेंगे, इस गोनिडियम की कोशिका में क्या होगा, डिवीजन की प्रोसेस होगी जिसके कारण मैनी सेल्ड स्टेज बनेंगी, पहले 8 कोशिकीय अवस्था फिर 16 कोशिकीय अवस्था, ऐसी संरचनाएं बनेंगी, फिर डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा जिसके कारण फिर इन्वर्जन की प्रक्रिया होगी और इन्वर्जन के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो जाएगा जो कि वॉल्वॉक्स की मेन कॉलोनी के अंदर ही रहेगी। इसी प्रकार अगर लैंगिक जनन की बात करें इसके लाइफ साइकिल में, तो लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा, एक तो अंडदानी बनेगी और एक पुंदानी बनेगी, जैसे यहाँ पर एंथ्रेजोइड जो मदर सेल होगी जिसे हमने एंड्रोगोनिडियम भी कहा है, इसमें किसके जीव द्रव्य में क्या होगा, विभाजन होते रहेंगे जिसके कारण अलैंगिक जनन के समान यहाँ पर प्रक्रियाएं होगी और यहाँ पर बहुत सारे एंथ्रेजोइड्स या पुंगड़ों का निर्माण होगा जो कि कैसे होंगे, द्विकशाभिक होंगे जो कि आधारीय कणिका से निकलेंगे और नाशपति से भी या पियर से होंगे और इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, अंडदानी का निर्माण होगा जिसका निर्माण क्या, कौन सी कोशिकाएं करेगी, गाइनोगोनिडियम करेगी या उसे ओवम मदर सेल भी कहेंगे और इसमें कोई विभाजन की प्रक्रिया नहीं होगी, इसका जो जीव द्रव्य है वह एग के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, फिर यहाँ से पुंगड़ू आएंगे और यहाँ पर क्या है, एग सेल है, पुंगड़ू यहाँ पर बहुत सारे एक साथ रिलीज होते हैं जिसके कारण बहुत सारे जो पुंगड़ू होते हैं वह इस अंडदानी की एक सेल के चारों ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और इन पुंगड़ू में से केवल एक ही पुंगड़ू एक सेल को निषेचित कर पाता है, बाकी सभी अपहासित हो जाते हैं और यहाँ पर केवल एक सेल एक हैं और बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं, पुंगड़ू हैं। तो इस प्रकार की जो अवस्था है इसे कहा जाता है पुंजी भवन, क्या कहा जाता है, पुंजी भवन। पुंजी भवन किसे कहेंगे, एक एक सेल को अगर बहुत सारे पुंगड़ू या असंख्य पुंगड़ू घेरे हुए हैं तो इस अवस्था को पुंजी भवन कहा जाता है।
फिर इसके फलस्वरूप क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। जायगोट डोरमेंट स्टेज में या प्रसुप्त अवस्था में आ जाता है, मतलब जायगोट ऊस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऊस्पोर की जो भित्तियाँ हैं, जब भी अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो फट जाएगी, और आंतरिक भित्ति है या एंडोस्पोरियम है वह बाहर की ओर पुटिका का निर्माण करेगी। उस पुटिका में जो जीव द्रव्य होगा उसमें विभाजनों के फलस्वरूप क्या बनेगा, चल बीजाणु बनेगा या मियोजूस्पोर बनेगा। फिर उस मियोजूस्पोर के जीव द्रव्य में क्या हो गए, विभाजन होंगे, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारी सेल्ड स्टेज बनेगी जो कि कॉलोनी का निर्माण करने का कार्य करेगी। तो इस प्रकार वॉल्वॉक्स में अलैंगिक और लैंगिक जनन यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके कारण वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी है यह अपनी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है या ग्रोथ को दर्शाती है। तो यह आज हमने देखा वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन, उसके बाद लैंगिक जनन, और उसके बाद हमने उसकी लाइफ साइकिल को भी डिस्कस किया जो कि हैप्लोडिप्लोंटिक प्रकार की है, क्योंकि इसमें जायगोट केवल द्विगुणित प्रवस्था है, बाकी की जितने भी जो प्रवस्थाएँ हैं वह अगुणित प्रकार की है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेस्ट एल्गल मेंबर, जो कि या तो हमारा कारा से रिलेट कारा हो सकता है, या फिर कोई अनादर कोलियोकीट हो सकता है, या फिर एडोगोनियम हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।